आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तीन ऐसे प्लगइन्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप अपने गूगल मीट को बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं जब आप गूगल मीट को होस्ट कर रहे होंगे, आप एज अ होस्ट गूगल मीट को यूज कर रहे होंगे। तो आप अपने लिए और अपने पार्टिसिपेंट के लिए गूगल मीट को बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो इन तीन प्लगइन्स का मैं डिस्क्रिप्शन आपको पहले बता देता हूँ। पहला जो प्लगइन है उससे आप अपने गूगल मीट में पार्टिसिपेंट्स को भी देख पाएंगे और अपनी स्क्रीन भी शेयर कर पाएंगे, वो भी साइमल्टेनियसली। जो प्रॉब्लम अभी आप फेस करते हैं कि जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं जो आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं, फोरग्राउंड में आपकी स्क्रीन रहती है, बट इस प्लगइन से आप दोनों ही चीजों को साइमल्टेनियसली देख पाएंगे। एक तरफ आपके पार्टिसिपेंट्स रहेंगे और एक तरफ आपकी स्क्रीन शेयरिंग रहेगी, वो भी बहुत आसानी से। सेकंड प्लगइन जो है वो आपके पार्टिसिपेंट्स के लिए है, क्योंकि जब आप अपने पार्टिसिपेंट्स को अपना माइक म्यूट करने के लिए कहते हैं तो गूगल मीट में वो आपसे इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, क्योंकि वहां पे सिर्फ चैट का ऑप्शन होता है। तो इस प्लगइन से आपके पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के इमोजीज का यूज करके आपको रिएक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, और रेज हैंड का जो ऑप्शन जूम के अंदर मिलता है वो ऑप्शन भी आपको इस प्लगइन के थ्रू मिल जाएगा। तो ये जो प्लगइन है ये आपके पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्लगइन को आप भी यूज कर सकते हैं। तीसरा जो प्लगइन है वो होस्ट के लिए है, क्योंकि गूगल मीट पे जो होस्ट होता है उसे अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को एक साथ देखने का जो व्यू है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। तो इस प्लगइन के थ्रू आप अपने जितने भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक ही स्क्रीन पे देख पाएंगे। ये आपके पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी स्क्रीन के साइज को, पार्टिसिपेंट्स के थंबनेल के साइज को चेंज करता रहेगा। जितने ज्यादा आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे उतना ही ज्यादा ये थंबनेल्स को छोटा करके आपके सारे पार्टिसिपेंट्स को एक ही ग्रिड में, एक ही व्यू में आपको दिखा देगा। तो ये तीनों प्लगइन का जो डिस्क्रिप्शन है मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप उन्हें पसंद कर रहे हैं तो उन्हें दूसरे लोगों के साथ में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और उन्हें दूसरे लोगों के साथ भी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए, और उन्हें भी बोलिए कि अगर उन्हें वो वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। पहले मैं तीनों प्लगइन की इन्फॉर्मेशन आपको सिस्टम पे दिखा देता हूँ, फिर गूगल मीट के थ्रू इन प्लगइन्स को कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। तो आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे, मैंने यहाँ पे तीनों लिंक जो है वो मेंशन करके रखी है। ये तीनों लिंक जो है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। पहला जो प्लगइन है वो है डुएलस। ये आप जब सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसे यूज करा हुआ है, इंस्टॉल करा हुआ है, तो यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम ऐसे ही तीनों प्लगइन्स के अंदर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इन प्लगइन्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये जो प्लगइन्स हैं ये सिर्फ सिस्टम में वर्क करेंगे, कंप्यूटर या लैपटॉप में वर्क करेंगे, क्योंकि ये क्रोम ब्राउजर पर वर्क कर रहे हैं, ये मोबाइल्स के अंदर वर्क नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम मोबाइल्स में जो गूगल मीट यूज करते हैं वो एक एप्लीकेशन होती है, तो एप्लीकेशन के लिए प्लगइन्स नहीं है, ये सिर्फ ब्राउजर के लिए प्लगइन्स है, और वो भी सिर्फ स्पेसिफिकली क्रोम ब्राउजर के लिए प्लगइन्स है। ठीक है, तो जब आप इन्हें इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके क्रोम के ऊपर आपको ये तीनों आइकन्स ऐसे दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, अब मैं मीटिंग को होस्ट कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि ये प्लगइन कैसे वर्क करते हैं। मैं आपको मीटिंग में एक मोबाइल डिवाइस के थ्रू भी ज्वाइन होकर बताऊंगा कि ये जो प्लगइन्स है ये पार्टिसिपेंट्स को किस तरह से दिखाई देंगे या उन्हें किस तरह से आपकी जो स्क्रीन है वो दिखाई देगी। तो यहाँ से मैंने ये गूगल मीट को ओपन कर लिया है, यहाँ से मैंने स्टार्ट मीटिंग कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो URL है मेरे पास आ गई है। अब मैं मेरे मोबाइल डिवाइस को ओपन कर रहा हूँ और इस URL के थ्रू मैं मेरे डिवाइस से ज्वाइन होता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि पार्टिसिपेंट्स को जो है आपकी स्क्रीन या ये सारे प्लगइन्स किस तरह से दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ से ये जो कोड है इसे मोबाइल डिवाइस में अब एंटर कर रहा हूँ। मैं पहले अपने सिस्टम से ज्वाइन होता हूँ और फिर अब मैं मेरे मोबाइल से भी ज्वाइन हो रहा हूँ इस मीटिंग में। देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और सिस्टम स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है, दो पार्टिसिपेंट्स हैं। मोबाइल स्क्रीन पे भी आपको दो पार्टिसिपेंट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मैंने माइक ऑफ कर दिया तो आप देख सकते हैं मोबाइल डिवाइस पे भी जो माइक है वो ऑफ हो गया है। इससे आप पहचान सकते हैं कि कंप्यूटर डिवाइस कौन है और मोबाइल डिवाइस। जिसपे स्मॉल एन लिखा है वो कंप्यूटर डिवाइस है, जिसमें कैपिटल एन लिखा है वो हमारे मोबाइल डिवाइस है। अब एक एक करके मैं तीनों प्लगइन्स के बारे में आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले हम बात करते हैं डुएलएस की। तो अगर मैं यहाँ से स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ से एंटायर स्क्रीन करा और इसे सिलेक्ट करके शेयर करा, तो अब जो मेरी पूरी स्क्रीन है वो मोबाइल डिवाइस पे प्रॉपरली शेयर होके दिखने लगी है। बट जब मैं इस तरह से चेंज करता हूँ, टैब को चेंज करता हूँ, तो मोबाइल पे तो ये टैब दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, बट मुझे अब मीटिंग का जो है वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं मुझे जो मीटिंग का है वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब मैंने इस डुएलएस प्लगइन है उसके ऊपर क्लिक करा, तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर मुझे कुछ एग्जाम्पल्स मिल गए हैं। तो मैंने यहाँ से 3:7 पे क्लिक करा, तो जैसे ही 3:7 में मैंने क्लिक करा तो मेरा जो हार्ड डिस्क वाला पेज था वो अलग हो गया और मीटिंग वाला जो पेज है वो अलग हो गया और स्क्रीन पे भी वो अलग अलग दिखाई देने लग गया। अब अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं 7:3 पे चला जाता हूँ और इस पेज को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इस पेज को मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसे वापस से 3:7 पे कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल बराबरी से। मान लीजिए आपकी स्क्रीन जो है वो पूरे 10 के हिसाब से काउंट हो रही है, तो ये 3 पोर्शन में आ गया और ये 7:7 के पोर्शन में आपके पास आ गया। तो आपके पार्टिसिपेंट्स भी आपको दिखते रहेंगे और ये जो स्क्रीन है ये भी आपको प्रॉपरली दिखाई देते रहेगी। तो इस तरह से आप शेयर कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ में जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, और ये आपके लिए भी एक्सेस करने में बहुत ईजी है और पार्टिसिपेंट्स भी आपकी सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली देख पाएंगे जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट प्लगइन कंप्लीट हो गया है। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट प्लगइन बताता हूँ। मैंने यहाँ से जो प्रेजेंटिंग है वो बंद कर दिया, शेयरिंग जो है वो बंद कर दिया। तो सेकंड प्लगइन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है ये ग्रिड प्लगइन, गूगल मीट ग्रिड व्यू। देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रिड का ऑप्शन आपको दिख गया है। अगर आपके पार्टिसिपेंट्स ने कैमरा ऑफ करके रखा है, वीडियो ऑन नहीं करा हुआ है, तो आप यहाँ से ये टिक हटा देंगे, ओनली शो पार्टिसिपेंट्स विद वीडियो। तो क्या होगा कि बिना कैमरे के भी आपको आपके सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपने इसको टिक करके रखा होगा तो आपको सिर्फ उन्ही पार्टिसिपेंट्स के यहाँ पे थंबनेल्स दिखाई देंगे जिन्होंने वीडियो को ऑन करके रखा होगा। यहाँ पे हाईलाइट स्पीकर पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे मैं यहाँ पे बोलूंगा, अगर इसे बंद करके एक बार आप स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ तो ये जो है ये उसे हाईलाइट करेगा। इस तरह से जो है ये स्पीकर जब अगर कुछ बोलेगा तो हाईलाइट करेगा उस चीज़ को। तो क्योंकि मैंने यहाँ से हाईलाइट के ऊपर टिक करा हुआ है, इसलिए ये जब स्पीकर जो है वो बोलेगा, इस मीटिंग का जो होस्ट है वो अगर कुछ भी बोलेगा तो इस तरह से वो उसे हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसमें इंक्लूड योरसेल्फ इन द ग्रिड, ये जो यहाँ पे ग्रिड दिखाई देगी इसमें ये आपको भी इंक्लूड करेगा। अगर आप खुद को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से अनटिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल ग्रिड व्यू बाय डिफॉल्ट, तो ये जो ग्रिड को है ये बाय डिफॉल्ट इनेबल कर देगा। तो आपने ये ग्रिड व्यू के सारे ऑप्शन देख लिए हैं। तीसरा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है ये नोड रिएक्शन। ये जो प्लगइन है ये सिर्फ सिस्टम पे ही वर्क करता है, मोबाइल डिवाइस पे ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ सिस्टम के लिए अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो ग्रिड व्यू था वो भी सिस्टम के लिए ही था, ये सारे प्लगइन्स बेसिकली सिस्टम के लिए हैं। तो ये जो नोड रिएक्शन है ये सिस्टम्स के लिए ही वर्क करेगा और जिन लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल करा होगा ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगा। तो इसमें आपने देखा ये थोड़े से इमोजीज के जो आइकन्स हैं वो दिए हुए हैं, इसके थ्रू आप इनका यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, और अगर हैंड रेज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बट इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ सिस्टम पे ही वर्क करेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो प्लगइन्स हैं आपकी गूगल मीट को कितना इंटरेक्टिव बना सकते हैं, आपके सेशन को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और इंटरेक्टिव बना सकते हैं आपके लिए भी और पार्टिसिपेंट्स के लिए भी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो और बनाता रहूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक बटन को प्रेस करिए और बने रहिए मेरे चैनल पे। आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम।